नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कोंडा इलाके में बुधवार की रात ढाबे पर खाना खाने गए फौजी की दोस्तों ने डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक छत्तीसगढ़ में तैनात था और छुट्टी पर घर आया था। सूचना पर पहुंची पुलिस फौजी को कोंडा CSC ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस फौजी की हत्या में शामिल चार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के रायगढ़ गोली का प्रभाव के रहने वाले 29 वर्षीय संजय कुमार यादव छत्तीसगढ़ में तैनात था। इन दोनों छुट्टी पर घर आया था। बुधवार की शाम फौजी अपने दोस्त कुलदीप यादव, अरुण प्रेमचंद और पिंटू के साथ बोलेरो के कुंडा गया था। कुंडा कस्बे में अतहर पेट्रोल पंप के पास सभी ने शराब पी। इसके बाद रात 9:30 बजे गांधीनगर स्थित बाबा दीन ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। ढाबे पर खाने का ऑर्डर देने के दौरान आपस में ताजनी होने लगी। इसके बाद सभी ढाबे के बाहर निकल आए और आपस में मारपीट होने लगी। इस दौरान दोस्तों ने संजय कुमार यादव को डंडों से पीटना शुरू कर दिया तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागा और भागने के दौरान नाले में गिर पड़ा। इसके बाद दोस्त वहां से भाग गए। सूचना मिलने पर पहुंची कुंडा पुलिस ने नाले से संजय कुमार यादव को बाहर निकालकर CSC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मॉर्चरी भिजवा दिया है। गाँव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिम ने बताया कि फौजी की हत्या करने वाले साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बुलेरों को भी कब्जे में ले लिया है, तो देखते रहिए। प्रतापगढ़ से विनय कुमार कन्हैया की खास रिपोर्ट। एक पास एक सिपाही की हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? ये थाना कुंडा क्षेत्र की पुलिस गश्त में थी तो कस्बे से बाहर एक ढाबा है, बल्कि दो ढाबे हैं, वहाँ पर कुछ भीड़ लगी हुई थी और वहाँ चार व्यक्ति एक बोलेरो में बैठ के भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुलिस वहाँ पर पहुँची तो भीड़ में लोगों ने बताया कि इन लोगों ने एक व्यक्ति को मारा पीटा है, वो नाली में ढकेल दिया। इस पर पुलिस ने वहाँ पे उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें दो लोग हिरासत में लिए गए, बाकी दो लोग मौके से भाग गए। फिर उस जो वहाँ पे घायल अवस्था में पड़ा था उसको लेकर स्थानीय पुलिस कुंडा की CSC कुंडा ले गई, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया है और जो दो व्यक्ति भाग गए हैं उनकी तलाश में पुलिस ने प्रयास किया तो अभी थोड़ी देर पहले उनको भी हिरासत में लिया गया, वो मिल गए हैं। उनसे पूछताछ और जांच पड़ताल की जा रही है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र देने की कार्रवाई की जा रही है। जो भी प्रार्थना पत्र देंगे उस पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। कितनी चोटें आई हैं उसको? अभी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके सर में एक चोट है, गंभीर चोट है बाईं तरफ, जैसा कि CSC के डॉक्टर्स द्वारा बताया गया है। क्या लाठी से मारा गया था? अब ये अभी स्पष्ट रूप नहीं कर सकता है। वैसे डॉक्टर का कहना है कि कोई हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। मृतक को ये बताया जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ की पुलिस में कांस्टेबल के तहत था। कहाँ का रहने वाला? ये थाना महेशगंज के गौरा कपूरवा रायगढ़ का रहने वाला।